नमस्ते दोस्तों, ये वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आज के दिन मैंने जो प्रिडिक्शन दिए थे उसके पीछे का लॉजिक क्या है प्राइस एक्शन के हिसाब से और ऑप्शन चेन एनालिसिस के हिसाब से, और कल के लिए हमें किस तरीके का रणनीति बना के ट्रेड करना चाहिए। तो सबसे पहले मैं आपको प्राइस एक्शन के बारे में बताता हूँ, फिर उसके बाद हम लोग ऑप्शन चेन का एनालिसिस करेंगे। मैंने आपको बताया हुआ है कि प्राइस एक्शन में सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि मार्केट में किस तरीके का ट्रेंड अभी बना हुआ है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया हुआ था, मार्केट जब भी नीचे जाता है या अप जाता है तो उसका मोमेंटम जो होता है वो इस तरीके से होता है। तो ये जो कंटिन्यूअस मोमेंटम का फेज होता है इसको हम लोग बोलते हैं ट्रेंड, और ये जो रिवर्स मोमेंटम होता है इसको बोलते हैं रिट्रेसमेंट। तो ट्रेंड रिट्रेसमेंट ये जो साइकिल है, ये साइकिल मार्केट में कंटिन्यू चलता रहता है और उसी के हिसाब से मार्केट में मोमेंटम होता है। अभी यहाँ पे देखोगे तो आप नीचे मार्केट वन साइड एंड मोमेंटम दिखाया, फिर रिट्रेसमेंट आ गया, फिर नीचे आ गया, फिर रिट्रेसमेंट आ गया, फिर नीचे आ गया, फिर रिट्रेसमेंट आ गया। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये जो ट्रेंडी फेस था डाउन ट्रेंड का, उसके बाद आज के दिन मार्केट में जो दिखाई दिया था वो हमें रिट्रेसमेंट का फेज दिखाई दिया था। तो रिट्रेसमेंट के फेज में आपको क्या करना है, आपको वेट करना है कि जब भी मार्केट ऊपर जाता है तो कोई सेल का अपॉर्चुनिटी बनता है कि वो देखना है आपको, अगर नहीं बनता है तो उसको आपको छोड़ देना है। तो आज के दिन रिट्रेसमेंट का फेज बन रहा था, तो यहाँ पे हमें ऑप्शन चेन के हिसाब से क्लियर कट दिखाई दे रहा था कि यहाँ पे बाइंग फोर्स ज्यादा है मार्केट में। ये किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं हम लोग, तो मैंने आपको टेलीग्राम चैनल में क्लियर कट बता दिया था कि यहाँ पे जो है वो मोमेंटम जो है मोमेंटम अपसाइड का दिख रहा है। ये देखो, आपको 11:06 पर मैंने आपको बताया हुआ था कि बैंक निफ्टी में जो है 21,500 पे कॉल राइटर्स बहुत ज्यादा है, एग्जिट कर रहे हैं। तो उसको अगर मार्केट होल्ड करता है तो अपसाइड का मोमेंटम आ सकता है। और अगर आप देखोगे तो बैंक निफ्टी अभी चल रहा है, अभी मार्केट क्लोज नहीं हुआ है, 660 के ऊपर चल रहा है। तो ये एनालिसिस मैंने किस तरीके से किया था इसको आप समझ लीजिए। तो यहाँ पे ये देख सकते हो आप टेलीग्राम चैनल में मैंने कितने बजे बैंक निफ्टी का अपडेट किया था, 11:06 पर। और अभी मैंने आपके सामने जो ऑप्शन चेन लगाया है वो 11:03 का है, मैंने स्क्रीनशॉट निकाल के रखा था आपको एक्सप्लेन करने के लिए। तो मैंने आपको कौन से बेसिस के ऊपर बताया था इसको आप पहले समझ लीजिए, जब आप इसको समझोगे तभी आप खुद एनालिसिस कर पाओगे। तो बेसिक थंब रूल आपको याद रखना है कि ये जो कॉल्स का साइड है एज ए रेजिस्टेंस करके एक्ट होता है, इसको आपको याद रखना है, और जो पुट का साइड है वो पुट का साइड एज ए सपोर्ट करके एक्ट होता है। ये बेसिक थंब रूल हो गया ऑप्शन चेन के एनालिसिस करने का। तो जब भी आप रेजिस्टेंस साइज को देखते हो तो रेजिस्टेंस में आपको क्या देखना पड़ता है, ये ओपन इंटरेस्ट जो है उसको, चेंज इन द ओपन इंटरेस्ट को और वॉल्यूम को। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये 11,500 का जो लेवल है, ये 11,500 के लेवल के ऊपर आपको यहाँ पे क्लियर कट दिखाई दे रहा है कि ये यहाँ पे चेंज इन द ओपन इंटरेस्ट में आपको एक निगेटिव फिगर दिखाई दे रहा है। तो इसका क्या मतलब होता है, निगेटिव फिगर दिखाई दे रहा है मतलब यहाँ पे जो लोगों ने कॉल को राइट किया हुआ था, जिन्होंने कॉल को सेल किया हुआ था, वो लोग यहाँ से निकल रहे हैं। मास साइकोलॉजी को समझो आप, ऑप्शन चेन आपको क्या बताता है, ऑप्शन चेन आपको टोटल मार्केट के सामूहिक सोच के बारे में बताता है। सामूहिक सोच का क्या मतलब होता है कि मार्केट अभी किस तरीके से सोच रहा है, इस सोच को आप समझो और वो सोच को हिसाब से आप एनालिसिस करो और फिर ट्रेड करो। यहाँ पे 21,500 के ऊपर अगर आप देखोगे तो सबसे ज्यादा हाईएस्ट वॉल्यूम का लेवल आ रहा था, मतलब एक इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल आ रहा था। मार्केट जब भी ऊपर जाता है एक रेजिस्टेंस लेवल के ऊपर मार्केट यहाँ पे रुक जाता है, और ये जो रेजिस्टेंस का लेवल है, ये रेजिस्टेंस के लेवल के ऊपर अगर बड़ा प्लेयर मार्केट में से निकल रहा है, उसका इंडिकेशन दे रहा है, तो इसका मतलब ये है कि मार्केट अगर ये लेवल को ब्रेक करता है तो अपसाइडेड मोमेंटम आपको दिखाई देने वाला है। सिंपल लॉजिक है, हम लोगों ने क्या एनालिसिस किया कि बड़े प्लेयर कहाँ से मार्केट में से निकल रहे हैं। अभी हमें कैसे पता कि यहाँ पे बड़े प्लेयर है, तो यहाँ पे वॉल्यूम देख लीजिए, सबसे ज्यादा वॉल्यूम ये 21,500 के लेवल पे बना हुआ था। तो 21,500 का लेवल एक इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल बन चुका था, और ये इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल के ऊपर मार्केट में से कॉल राइटर एग्जिट हो रहे थे। तो इसका मतलब ये क्लियर कट मिल रहा था इंडिकेशन हमें कि यहाँ पे ये लेवल अगर ब्रेक करता है तो मार्केट ऊपर जा सकता है। अभी इसका और एक कंफर्मेशन हमें कैसे मिल रहा था, तो नीचे की साइड के ऊपर आप देखोगे तो नीचे की साइड के ऊपर भी कॉल राइटर एग्जिट हो चुके थे, मतलब
कॉल राइटर का ये मानना था कि अभी मार्केट ऊपर ही रहने वाला है, तो ऑप्शन चेन से हमें एक डायरेक्शन मिलता है कि मार्केट में कौन से डायरेक्शन में अभी ट्रेड होने वाला है। तो जब भी आपको एनालिसिस करना हो तो सबसे पहले आपको देखना है कि जो करंट मार्केट प्राइस है उससे नीचे वाले स्ट्राइक प्राइस के ऊपर क्या पोजीशन बन रहा है, उसके ऊपर वाले स्ट्राइक प्राइस के ऊपर कॉल साइड के ऊपर क्या पोजीशन बन रहा है, फिर आपको देखना है कि पुट साइड के ऊपर क्या पोजीशन बन रहा है नीचे वाले स्ट्राइक प्राइस कर, और पुट साइड के हायर स्ट्राइक प्राइस के ऊपर किस तरीके का पोजीशन बन रहा है। तो स्टेप बाय स्टेप मैं आपको सभी बातें सिखाने वाला हूँ। पहले आप ये सिंपल सिंपल बातें समझ लीजिए कि सपोर्ट रेजिस्टेंस को ऑप्शन चेन के हिसाब से कैसे एनालाइज किया जाता है, सपोर्ट रेजिस्टेंस के ब्रेकआउट के ऊपर कैसे ट्रेड किया जाता है। जब आप ये बेसिक बातें समझ जाओगे तब हम लोग एडवांस बातों पर जाएंगे। अभी मैंने आपको इसका क्यूमुलेटिव कैलकुलेशन करने के लिए बोल दिया तो आप इसको समझ नहीं पाओगे, क्योंकि अभी आप सीख रहे हो। ऑप्शन चेन का एनालिसिस करना इतना सिंपल नहीं है जितना आप समझ रहे हो, क्योंकि ऑप्शन चेन का एनालिसिस जब भी आप करते हो इट इज अ काइंड ऑफ अ सब्जेक्टिव डिसीजन। तो सब्जेक्टिव डिसीजन में आपके पास स्किल होना बहुत जरूरी है, और स्किल सिर्फ और सिर्फ एक्सपीरियंस से ही आप में डेवलप हो जाएंगे। तो जितना ज्यादा आप इस ऑप्शन चेन का स्टडी करोगे उतना ज्यादा आप में ये स्किल डेवलप होगा। जो जो मैं बेसिक और फंडामेंटल रूल आपको बता रहा हूँ इसको राइट डाउन कीजिए और लाइव मार्केट में आप खुद एनालिसिस कीजिए तो आप में वो स्किल डेवलप हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर आप देखते हो तो फर्स्ट रूल आपका ये है कि आपको ये रेजिस्टेंस लेवल फाइंड आउट करने हैं, रेजिस्टेंस लेवल के ऊपर मार्केट जा रहा है कि नहीं जा रहा है ये देखना है, और एट द सेम टाइम वहां पे उसके नीचे स्ट्राइक प्राइस में या वो स्ट्राइक प्राइस के ऊपर कॉल राइटर एग्जिट हो रहे हैं कि नहीं हो रहे ये चेक करना है। अगर नीचे वाले स्ट्राइक प्राइस के ऊपर कॉल राइटर एग्जिट हो रहे हैं, सेम स्ट्राइक की प्राइस के ऊपर कॉल राइटर एग्जिट हो रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि जब भी ये रेजिस्टेंस लेवल को मार्केट ब्रेक करेगा मार्केट ऊपर जाने की सबसे ज्यादा प्रोबेबिलिटी है। तो ये सिंपल रूल आज यहाँ पे आप सीख गए, आपको आने वाले सेशंस में अभी ये रूल को मार्केट में लाइव मार्केट में टेस्ट करना है। अभी उसके बाद जान लेते हैं कि निफ्टी का मैंने कौन से बेसिस के ऊपर प्रिडिक्शन दिया हुआ था। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो 11:28 पर मैंने निफ्टी का प्रिडिक्शन दिया हुआ था कि हाईएस्ट मनी पार्क बाय द कॉल राइटर इफ ब्रेक एंड होल्ड देन मार्केट मोर अपसाइड मोमेंटम हो सकता है। तो यहाँ पे अगर आप निफ्टी का चार्ट देखते हो तो निफ्टी का पहले मैं आपको ऑप्शन चेन दिखा देता हूँ। तो ये निफ्टी का मैंने ऑप्शन चेन लगाया हुआ है और 11200 के ऊपर मैंने आपको बताया हुआ था कि मार्केट अपसाइड का मोमेंटम दिखा सकता है, और यहाँ पे अगर आप देखोगे तो 11200 के बाद 11237 तक मतलब 37-38 पॉइंट मार्केट ऊपर गया था। अभी ये प्रिडिक्शन कौन से लॉजिक के ऊपर मैंने बताया था ये लॉजिक को आप समझ लीजिए। मैं इसी तरह ऑप्शन चेन का और प्लस प्राइस एक्शन में मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि आज के दिन में मार्केट जो है वो रिट्रेसमेंट के फेज में है। मतलब जब भी मार्केट डाउन ट्रेंड में रहता है और डाउन ट्रेंड का रिट्रेसमेंट फेज आता है तो अपसाइड का मोमेंटम एक्सपेक्टेड रहता है। तो प्राइस एक्शन से फर्स्ट बात हम लोगों को क्लियर हो गई थी। अभी सेकंड बात में हमें क्या करना था, ऑप्शन चेन के एनालिसिस में इसका कंफर्मेशन लेना था कि अपसाइड का मोमेंटम कब बन सकता है। तो ये दोनों का कॉम्बिनेशन जब हम लोग करेंगे तो हमारा एक्यूरेसी बहुत बढ़िया हो जाता है, हमारा स्ट्राइक रेट बहुत बढ़िया हो जाता है। तो इसी तरीके का मैं हर दिन आपको एनालिसिस करके बताऊंगा। आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगता है तो इसको लाइक कीजिए। आप लाइक करते हो तो मुझे समझ में आएगा कि आपको ये अच्छा लग रहा है और मैं इस वीडियो सीरीज को, इस एजुकेशनल सीरीज को कंटिन्यू रखूंगा। आज का हमारा टारगेट है 2200 लाइक अगर कंप्लीट हो जाते हैं तो हम लोग ये सीरीज को कंटिन्यू रखेंगे, और कल भी मैं आपको प्राइस एक्शन और ऑप्शन चेन का एनालिसिस करके और बताऊंगा। तो यहाँ पे मैंने आपको बताया हुआ था कि 11200 के ऊपर अगर मार्केट ब्रेक करके होल्ड करता है तो निफ्टी और भी ऊपर जा सकता है। तो ये कौन से बेसिस के ऊपर बताया था, तो बेसिक रूल आपको याद रखना है, कॉल के साइड के ऊपर रेजिस्टेंस चेक करेंगे, पुट के साइड के ऊपर सपोर्ट चेक करेंगे। तो रेजिस्टेंस में हम लोगों को देखना है कि हाईएस्ट रेजिस्टेंस कहाँ पे बना हुआ है। तो अगर वॉल्यूम के हिसाब से देखेंगे कि 11200 के ऊपर हाईएस्ट रेजिस्टेंस बना हुआ है, उसके बाद इसका कंफर्मेशन हमें यहाँ पे मिल रहा था कि नीचे की साइड के ऊपर जो है वो यहाँ पे कॉल राइटर एग्जिट हो रहे थे। यहाँ पे अभी कॉल राइटर एग्जिट नहीं हो रहे थे, जो अपना स्ट्राइक प्राइस है स्ट्राइक प्राइस के ऊपर कॉल राइटर एग्जिट नहीं हो रहे थे, लेकिन नीचे के जो स्ट्राइक प्राइस है नीचे के स्ट्राइक प्राइस के ऊपर कॉल राइटर एग्जिट हो चुके थे। फिर भी मैंने ये कंक्लूजन किस तरीके से निकाला, मैंने आपको पहले बोला हुआ था कि हम लोग जो है क्यूमुलेटिव एनालिसिस करते हैं और ये चार पॉइंट को हम लोग देखते हैं,
कौन सा भी डिसीजन लेने से पहले, अभी आप लर्निंग फेज के पहले स्टेप में हो, तो अभी हम लोग सिर्फ इस पॉइंट को यहाँ पे देख रहे हैं। जैसा जैसा हमारा एजुकेशनल सीरीज आगे बढ़ता जाएगा, वैसे वैसे ये सभी पॉइंट मैं आपको क्लियर करूंगा। तो जब ये चारों जगह पे आप एनालिसिस करके देखोगे, तब आपको पता चलेगा कि ये लेवल किस तरीके से ब्रेकआउट होता है। आज मैंने आपको बता दिया लेवल कैसे फाइंड आउट करना है। बैंक निफ्टी में आपको दोनों कंफर्मेशन इसी जोन में मिल चुके थे। निफ्टी का कंफर्मेशन कुछ इस जोन से मिला था, मुझे किस इस जोन से मिला था, ये दोनों कंफर्मेशन कैसे लेने हैं आने वाले वीडियो सीरीज में मैं आपको एजुकेशनल सीरीज में बता दूंगा। सबसे पहले अभी आपको इतना पता चल चुका है कि रेजिस्टेंस लेवल या सपोर्ट लेवल किस तरीके से कैलकुलेट करना है और उसको किस तरीके से ट्रेड करना है। तो अभी देख लेते हैं कि कल के दिन मार्केट में क्या होने की पॉसिबिलिटी है। तो कल के दिन का प्राइस एक्शन के हिसाब से हम लोग एनालिसिस करते हैं। तो यहाँ पे अभी आपको दिखाई देगा कि मार्केट में ये रिट्रेसमेंट का जोन जो बना हुआ है, वो रिट्रेसमेंट के मोमेंटम को मार्केट अभी भी बरकरार रखा हुआ है। तो अगर हमें कल के लिए प्राइस एक्शन के हिसाब से लेवल को फाइंड आउट करना है, तो आपके लिए कल का जो इम्पोर्टेंट लेवल आ रहा है, ये इम्पोर्टेंट लेवल ये आ रहा है, ये लेवल आ रहा है 11,260 का लेवल। इसके पीछे का लॉजिक आप समझने की कोशिश कीजिए। पहले मार्केट नीचे आया था, नीचे आने के बाद एक बार मार्केट ऊपर चला गया, फिर नीचे आ गया, फिर ऊपर चला गया, फिर नीचे आ गया, मतलब दो बार यहाँ पे मार्केट का मास साइकोलॉजी चेंज हो चुका है। और तीसरी बार अभी अगर आप यहाँ पे देखोगे तो यहाँ से ऊपर आने का स्पीड जो था वो स्पीड बहुत ज्यादा था, लेकिन यहाँ पे मार्केट धीरे धीरे ऊपर चल रहा है। इसका मतलब इसका स्पीड जो है, फोर्स जो है, ताकत जो है, वो अभी कम होती जा रही है। तो ये लेवल के करीब जब मार्केट आ जाएगा, तो ये लेवल के करीब आने के बाद हम लोग क्या करेंगे, ऑप्शन चेन का एनालिसिस करेंगे और उस हिसाब से डिसीजन लेंगे कि मार्केट ये लेवल को ब्रेक करेगा या रिस्पेक्ट करेगा, और उस हिसाब से ट्रेड करेंगे। ऑप्शन चेन का मेरा जो भी कुछ प्रिडिक्शन एनालिसिस रहेगा, मैं अपने फ्री वाले टेलीग्राम चैनल में अपडेट कर दूंगा। ये फ्री वाले टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो के नीचे मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। ये लिंक के ऊपर क्लिक करके आप इसको ज्वाइन कर सकते हो, कम्प्लीटली फ्री है। और इसके ऑप्शन चेन एनालिसिस के साथ साथ यहाँ पे आपको फ्री में इंट्राडे के सिग्नल्स भी मिल जाएंगे। उसी तरीके से बैंक निफ्टी का अगर हम लोग एनालिसिस करते हैं, तो बैंक निफ्टी में आपको यहाँ पे दिखाई देगा कि मार्केट जो है वो इम्पोर्टेंट लेवल को ब्रेक करके जा रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है दोस्तों कि आने वाले कुछ समय में बैंक निफ्टी में कुछ तो पॉजिटिव न्यूज आ सकता है, क्योंकि जिस तरीके से मैंने ऑप्शन चेन का जब एनालिसिस किया, ऑप्शन चेन के एनालिसिस में इस तरीके का डेटा मिल रहा है, उससे एक बात कन्फर्म हो रही है कि बैंक निफ्टी का मोमेंटम चेंज हो जा रहा है। तो इसमें पॉजिटिव न्यूज आ सकती है। पहला न्यूज ये आ सकता है कि जो आरबीआई का क्रेडिट पॉलिसी है जिसको पोस्टपोन किया रहेगा, उनकी तरफ से कुछ न्यूज आ सकता है, या फिर सुप्रीम कोर्ट में जो मॉरिटोरियम इशू के ऊपर हियरिंग चल रहा है उसकी तरफ से कुछ तो पॉजिटिव न्यूज आ सकता है। लेकिन एक बात कन्फर्म है, जिस स्पीड से बैंक निफ्टी रिकवर हो रहा है और ऑप्शन चेन में जिस तरीके का डेटा बन रहा है, उस हिसाब से ये कंफर्म मुझे लग रहा है कि कुछ ना कुछ यहाँ पे बैंक निफ्टी में न्यूज आ सकता है। अभी जब लोग हम लोग ऑप्शन चेन का एनालिसिस में आपको सिखा रहा हूँ, तो हम लोग सिर्फ वीकली सीरीज को, वीकली कॉन्ट्रैक्ट को ही फॉलो कर रहे है। जब हम लोग एडवांस लेवल में जाएंगे, तब मैं आपको बताऊंगा कि ये वीकली को मंथली के साथ कैसे क्लब करना है। जब आप ये दोनों क्लब करोगे, तो और भी सटीक आपका निशाना बैठ जाएगा और भी सटीक आप प्रेडिक्शन कर पाओगे। यहाँ पे अभी प्राइस एक्शन के हिसाब से हम लोग एनालिसिस करते हैं कि कल के लिए किस तरीके का मोमेंटम बन रहा है। तो जैसे मैंने आपको बताया हुआ था कि हम लोग प्राइस एक्शन में देखते हैं ट्रेंडी फेज चल रहा है कि रिट्रेसमेंट का फेज चल रहा है। तो यहाँ पे आपको दिखाई देगा कि मार्केट में जो है ये अभी रिट्रेसमेंट के फेज में मार्केट चल रहा है। तो रिट्रेसमेंट के फेज में हमें आगे जाके देखना पड़ेगा कि कहाँ पे जाके मार्केट रुक सकता है और कहाँ पे हमें सेल का अपॉर्चुनिटी मिल सकता है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो मार्केट यहाँ पे 22,000 के लेवल के ऊपर रुकने की ज्यादा पॉसिबिलिटी है। अभी इसके पीछे का रीजन क्या है, मार्केट यहाँ पे क्यों रुक सकता है? तो पहली बात, जब मार्केट में डाउनफॉल चालू हुआ था, पहली बार मार्केट यहाँ पे रुका हुआ था, फिर मार्केट यहाँ से बाउंस बैक किया लेकिन ऊपर नहीं जा पाया, दूसरे बार मार्केट जब यहाँ पे आ गए, फिर यहाँ पे बायर एक्टिव हो गए और उन्होंने ऊपर जाने की कोशिश की और यहाँ पे वो कोशिश नाकामयाब रही और फिर मार्केट नीचे आ गया। तो दो बार मार्केट यहाँ पे सपोर्ट लिया था। जब मार्केट ये सपोर्ट लेवल को ब्रेक करता है और दोबारा मार्केट ये लेवल के करीब आता है, तो ये सपोर्ट लेवल एज ए रेजिस्टेंस लेवल एक्ट होता है। ये प्राइस एक्शन का वन ऑफ द बेसिक और फंडामेंटल कंसेप्ट है, इसको नोट डाउन करके आप रख लीजिए। तो उस हिसाब से ये पहला हमें कंफर्मेशन मिल रहा है कि यहाँ पे मार्केट थोड़ा पॉज ले सकता है।
फिर दूसरा कंफर्मेशन 22,000 जो है वो एक इंपॉर्टेंट साइकोलॉजिकल राउंड फिगर है, तो यहाँ पे थोड़ा साइकोलॉजी चेंज हो जाता है, मार्केट का सामूहिक सोच चेंज हो जाता है, ये हमारा दूसरा कंफर्मेशन हो गया। तीसरा कंफर्मेशन मुझे जो मिल रहा है ऑप्शन चेन का, जब मैंने वीकली प्लस मंथली का एनालिसिस किया तो 22,000 का जो लेवल बन रहा है, 22,000 के लेवल के ऊपर हाईएस्ट कॉल राइटर बैठे हुए हैं, तो यहाँ पे मार्केट में थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग आ सकता है। जो लोगों ने ये नीचे वाले रेट पे बाय करके वो प्रॉफिट के बना रहेंगे वो लोग यहाँ पे प्रॉफिट बुक कर सकते हैं, या और यहाँ पे सेलर्स मंदी करने वाले भी मार्केट में आ सकते हैं। तो कल के दिन हमें देखना पड़ेगा कि यहाँ पे किस तरीके का ये लेवल के करीब आके एक्शन होता है। ऑप्शन चेन को भी हम लोग फॉलो करेंगे, ये प्राइस एक्शन के फंडामेंटल्स को भी फॉलो करेंगे, और वो उस तरीके से ज्यादा हाई प्रोबेबिलिटी वाले सिग्नल जनरेट करके उसी के ऊपर काम करेंगे। मुझे ये वीडियो सीरीज कंटिन्यू रखनी है या नहीं रखनी मुझे कैसे पता चलेगा, जब आप कमेंट सेक्शन में मुझे आपके डाउट पूछोगे। अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आता है, कौन सा पॉइंट रिपीट करना है, कौन से पॉइंट के ऊपर वीडियो और बनाना है, कौन सा पॉइंट सेपरेट एक्सप्लेन करके बताना है ऑप्शन चेन का, ये मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बता दीजिए, तो मैं वीकेंड के दौरान वो वीडियो सेपरेट बनाने की कोशिश करूंगा। और आज का हमारा जो टारगेट है लाइक का, 2200 के लाइक का टारगेट है, इतना याद रखिएगा। उसी तरीके से YouTube के ऊपर हमारा एक एजुकेशनल चैनल है नयन पोखरकर प्रोफेशनल ट्रेडर के नाम से, ये चैनल के ऊपर मैंने बहुत सारे एजुकेशनल वीडियोस डाले हुए हैं, तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट रहेगी कि ये चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकॉन का बटन दबा दीजिए, तो जैसे ही मैं कोई नया वीडियो लॉन्च करता हूँ इमीडिएट आपको उसका नोटिफिकेशन आ जाएगा। आशा है कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा रहेगा। थैंक यू वेरी मच।